हमारे साथ ब्रेक के बाद फिर हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से चेतन सिंह, कांग्रेस की ओर से अवनीश भार्गव और अन्य मेहमानों से भी हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही हमारे साथ देहरादून से भी हमारे मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कृष्ण मोहन झा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हमारे सहयोगी न्यूज़ वर्ल्ड के एसोसिएट एडिटर, और जिन्होंने बारीकी से नज़र रखी है संतोष मानो पूरे चुनाव में चुनावी दंगल के माध्यम से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और देहरादून से हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उनका भी हम आपसे परिचय कराएंगे। लेकिन इन सब के पहले एक बार जो ताज़ा रुझान है उस पर आपका ध्यान लाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी जीत हासिल की है जहां मुख्यमंत्री हरीश रावत भी दोनों सीटों से हार गए और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल रही है। गोवा में स्थिति अनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, और वहीं मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से थोड़ा सा आगे है। और इन सारी चीजों के साथ हम अगर बात करें पंजाब की, तो वहां कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। आम आदमी पार्टी को पंजाब से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी पिछड़ गई है। और हमारे साथ उत्तराखंड से भी हमारे साथ जो मेहमान है, हमारे विश्वास कुमार डाबर हैं, बीजेपी के नेता हैं, समर भंडारी हैं, सीपीआई से हैं, और गोविंद थपतियाल हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, आपके लिए उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खुशखबरी है, साथ ही उत्तराखंड में भी आपकी सरकार बन रही है, कैसे ये चमत्कार हुआ है, क्या लगता है आपको? उत्तराखंड की सरकार जिस प्रकार से बहुमत के लिए जो लोकतंत्र का उन्होंने इस्तेमाल किया, विकास से कोई उनका वास्ता नहीं रहा और आम जनता से बहुत दूर कटे कटे से रहे, मुझे लगता है पहाड़ी क्षेत्रों में वहां की सरकार पीने का पानी तक देने में विफल रही है। सड़कों का जो एक जाल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रारंभ हुआ था, ये सारे काम रुक गए थे। वो पूरी सरकार केवल बचाने के खेल में लगी रही, उस सत्ता का सिंहासन कैसे हरीश रावत जी के पास है, वे लगातार इस बारे में ही चिंतन करते रहे। मुझे लगता है कि वहां की जनता की भी चिंता करने वाला कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए और वहां की जनता ने इस बात को ध्यान में रखते हुए विकास और सुशासन के एजेंडे पर चलने का काम किया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड भी एक बड़ा राज्य है, उत्तराखंड के लोगों की जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो भी सरकार में बनेंगे वो निश्चित रूप से वहां की जनअपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है रिजवान जी, उत्तर प्रदेश में अनेक फैक्टर काम कर रहे थे। जिस प्रकार से गुंडे बदमाश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे, बलात्कारी कैबिनेट मंत्री होकर के सरकार चला रहे थे, जो कब्जे समाजवादी पार्टी के हो रहे थे, और लगातार जो एक घुटन का वातावरण उत्तर प्रदेश में लोगों ने महसूस किया, पूर्वांचल जहां से सर्वाधिक सीटें 172 सीटें आती हैं, वहां पर कोई रोजगार नहीं होना, वहां का युवा जब माता पिता को अपने बेटे की आवश्यकता होती है तब वो दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए इस हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है, उस सारे अपमान के घूंट सहने के बाद भी दो वक्त की रोटी अपने भी इंतजाम करता है, साथ ही साथ अपने वृद्ध माता पिता को भी दो वक्त की रोटी वहां से मुहैया कराता है। जो लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है, उनके विकास तो नहीं लेकिन उनके कारनामों की चर्चा हमेशा होती रही, चाहे वो जनता के बीच में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बीच में हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो उनके कारनामे बहुत बोलते रहे। सड़कों का नामो निशान नहीं है, आज मध्य प्रदेश में या किसी अन्य प्रांत में भी हम चले जाते तो ग्रामीण सड़क पहुंच मार हर जगह है, लेकिन पता नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या कारण थे जिनके कारण नहीं हुआ। और एक जो फैमिली ड्रामा इनके यहाँ चला और फैमिली ड्रामे के साथ साथ जो आपस में जो इनकी जुगलबंदी लोगों ने देखी, बार बार स्टेटमेंट बदलना, सारी सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रह करके उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश की जनता को लगभग भूल चुकी थी। उत्तर प्रदेश की जनता अपना विकास चाहती थी, तो उत्तर प्रदेश की जनता बिजली सड़क पानी और रोजगार चाहती थी, उत्तर प्रदेश की जनता एक स्थायी ऐसी सरकार चाहती थी जिसमें विकास की खुशबू आए, लोगों को लगता था कि जिस सांप्रदायिक
सामुदायिक ध्रुवीकरण के बाद जो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को डरा धमका करके अन्य समुदायों का वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है ये सारी चीजें एक साथ काम कर रही थी। और रिजवान भाई, 80% मतदाता मुस्लिम मतदाता है देवबंद की सीट का, पहला उत्तर प्रदेश की विधानसभा का परिणाम है, वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय की जाति के, सबने यह तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश में एक सुशासन और विकास का एजेंडे पर हम सबको चलना है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हमको जनमत मिला है वो सारे उत्तर प्रदेश के नीचे से लेकर के ऊपर तक के तबके का है, सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों का है। जिन लोगों ने हमको ये कहा था कि हमने एक भी अल्पसंख्यक बंधुओं को टिकट नहीं दिया, इनको अल्पसंख्यक बंधुओं के वोट नहीं मिलेंगे, पहला परिणाम उत्तर प्रदेश की धरती से वो आता है कि देवबंद के अल्पसंख्यक भूमि से, अल्पसंख्यक विधानसभा से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, ब्रजेश सिंह वहां से चुनाव जीतते हैं। ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा बहुमत मिला है 3/4, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक जादू है। और साथ ही साथ इसके पीछे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का है, वास्तव में मैं किसी भी अध्यक्ष को इतना नीचे उतर करके किसी चुनाव में लगना मैंने तो किसी राजनीतिक दल में नहीं देखा। ये हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और सारा संगठन पूरी ईमानदारी के साथ कर्मठता, एक एक सीट का हमने अध्ययन किया है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं एक बार फिर लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर संतोष मानव, आपने देवबंद के बारे में भी कुछ रिसर्च कर रहे थे, आप क्या है देवबंद और क्या गणित है देवबंद की? बात कर रहा था अभी, देवबंद सहारनपुर जिले में है, सहारनपुर जिले में कस्बा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और वहां से एक धारा चलती है जो लोग मजारों पे नहीं जाते हैं, मतलब उनको उपासना नहीं करते हैं वहां जाकर। मुस्लिम समाज का एक फिरका उसका मुख्यालय है देवबंद, आप कह रहे हैं सर। वहां चुनाव का क्या ट्रेंड रहा है अभी तक? क्या भारतीय जनता पार्टी कभी जीत पाई है? क्या ट्रेंड रहा है? और जैसा हम अपने न्यूज रूम से भी इसका डिटेल और मांगेंगे कि जैसा अभी कह रहे थे चेतन सिंह कि 80% मतदाता वहां मुस्लिम है, क्या वो उसको आपने कुछ देखा है क्या? मैं यही देख रहा था, लेकिन 80% तो नहीं है, लेकिन वहाँ मुस्लिम वोट काफी बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा। और पिछली दफा वहाँ से सपा के उम्मीदवार जीते थे जी। अगर आप सोशल इक्वेशन की बात करें तो वो सीट बीजेपी की नहीं है जी, और बीजेपी अगर वहाँ से जीत जाती है तो ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक विषय है, बहुत बड़ी बात। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतनी सीटों में जीत जाती है, आश्चर्यजनक तो वही है। पूरे मीडिया पे ट्रेन कर रही थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था जी, सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि भाई देवबंद से बीजेपी का जितना आश्चर्यजनक है, क्या मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिए, सवाल खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा था कि आश्चर्यजनक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कहेंगे अवनीश भार्गव, बहुत आपके लिए क्या ये प्रत्याशित है या अप्रत्याशित नतीजे हैं? देखिए रिजवान जी, जिस तरीके का ट्रेंड आ रहा है पांचों राज्यों का, भारतीय जनता पार्टी बड़ी उत्साहित है और उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, 2019 में हम फिर लोकसभा चुनाव जीत के आएंगे। पूरे प्रदेशों में जो हालात थे वो एंटी इनकम्बेंसी का दिख रहा है, सरकार के खिलाफ वोट हुआ है, जो वोट लेने में कारगर हुए उन्होंने सरकार बनाई। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, वहां बीजेपी ने बना ली। पंजाब में अकाली भाजपा का गठबंधन था, वहां कांग्रेस सरकार बना रही, आम आदमी पार्टी दौड़ से बाहर हो गई। दोनों में संघर्ष था लेकिन कांग्रेस वहां गेन कर रही है। ऐसा हम गोवा में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मणिपुर का ट्रेंड भी लगभग लगभग बराबर का चल रहा है, वहां संघर्ष है, अभी देखते हैं किस तरीके एक दो सीटों का अंतर पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को और अपनी नीतियों को सुसज्जित करने का ये एक माध्यम नहीं हो सकता पांच राज्यों के चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से राजनीति उनने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चलाई है, दोनों राज्य चुनाव जीत जरूर रहा है वो, लेकिन देश की प्रजातंत्र व्यवस्था के लिए और सबका साथ सबका विकास ये संदेश देश में देने के लिए प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से कारगर रहे हुए हैं। जिस तरीके से उनके भाषण रहे हैं कब्रिस्तान को लेकर, संतान को लेकर, जिस तरीके की बात की उन्होंने रमजान में और दीपावली की बात की है, बिजली नहीं मिलती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया है कि महिलाएं बुरखा डाल के डालती है, फर्जी वोटिंग होती है, तो पोलराइजेशन करने का भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था वो उत्तर प्रदेश में कारगर हुआ है। और दूसरी बात, एक और रिजवान भाई, इसमें देखी जाए जिस स्तर पर देश के प्रधानमंत्री जी नीचे उतर के आए और उन्होंने जो भाषणबाजी की है और जिस तरीके से
भारत के प्रधानमंत्री नहीं होके भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हो गए वो, और जिन्होंने गलियों में, कूचों में, बनारस में, यूपी में, उत्तराखंड, पंजाब सब में, आप कह रहे थे यूपी को ये सार संबंध है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री का ही अंदाज हो गया। वो मैं कह रहा हूँ हमारी भूल हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कहीं ना कहीं इनका मुकाबला करने में नाकाम रहा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भ्रामक प्रचार पहले इनने देश के सामने किया था कि हम 15 काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, अब इनने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पोलराइजेशन किया है। जो पोलराइजेशन किया उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इनकी 3 साल की जो उपलब्धि थी नरेंद्र मोदी जी की, वो कहीं परिलक्षित नहीं हो रही। यदि 3 साल की उपलब्धि होती तो पंजाब में भी दिखती, गोवा में भी दिखती, मणिपुर में, सब जगह दिखती। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का जादू चला है, ये संभव कहीं तक नहीं लग रहा है। आपको आप कड़े मुकाबले में फंस गए मणिपुर में। नहीं रिजवान भाई, आप देखें कि 403 में से एक भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट नहीं देना भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा तो पोलराइजेशन का यही हो गया। दूसरा एजेंडा उनका ये होगा कि प्रधानमंत्री जी मंच से ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान का विकास तो किया है, शमशान का विकास नहीं किया है। इनकी वहां की इकाई कुछ कहती है और रमजानों में केवल लाइट मिलती है, दीपावली पे लाइट नहीं मिलती है। तो इन्हें पोलराइजेशन किया और जनता को इस तरीके का संदेश दिया है, वो पोलराइजेशन हुआ, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, तात्कालिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। मैं आपको रोकूंगा, उत्तराखंड में आप तो चुनाव लड़ने के पहले ही चुनाव हार गए, अपने मुख्यमंत्री को 2-2 जगह चुनाव, कांग्रेस पार्टी में बहुत कम अवसर आए हैं कि बड़े नेता इस तरह से, अगर वो तो एक संदेश देने के लिए होता है, लेकिन हरीश रावत 2 जगह चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हार गए, और चुनाव के पहले ही आप हारा सा चुनाव लड़ते रहे और आखिर में इतनी दुर्गत हो गई आप। देखिए रिजवान जी, उत्तराखंड में जिस तरीके का घटनाक्रम चला है और वह सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है, और सरकार सुप्रीम कोर्ट से बहाल होकर आई, आपको ये पूरा मुद्दा पता ही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ हरीश रावत जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको पिछले 1-2 साल से सरकार चलाने नहीं दी, कभी केस में फंसा दें, कभी सीबीआई का केस फंसा दिया। लेकिन जनता अभी समझ नहीं पाई। दूसरी बात, आप कह रहे हैं 2 जगह चुनाव लड़ाया कांग्रेस ने, तो हमने पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 2 जगह चुनाव लड़ रहे थे, एक जगह से हार गए। तो ये रणनीति का हिस्सा होता है पार्टी का। हरीश रावत जी भी 2 जगह चुनाव लड़ रहे थे, दुर्भाग्य के बाद दोनों जगह से वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत विकास के काम किए उत्तराखंड में, ये बात किसी से छिपी नहीं, जनता आकलन करेगी। लेकिन जिस तरीके का मिजाज मतदाताओं को लग रहा है और परिवर्तन का लग रहा है, शुभ संकेत है कि नहीं विकास के लिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन परिवर्तन एक जनता की वृत्ति बन गई। मैं आपको रोकूंगा, आम आदमी पार्टी के भी हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे ही समझता हूं कि आपको बहुत उम्मीद थी, पहले आप गोवा में भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन पंजाब से तो आपको पूरी उम्मीद थी, पूरी सरकार पंजाब में आपकी चली गई, यहां तक कि बात यह होती रही कि अरविंद केजरीवाल यहां से मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन नाउम्मीदी हाथ लगी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जनता के जनादेश को सिरोधार्य करता हूं, जनता ही सबसे बड़ी वो होती है कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सबसे बड़ा और मत देती है, और मत का परिणाम हम लोगों ने स्वीकार है उनको। जनता ने हमको जो पंजाब के अंदर प्यार दिया, उसके लिए हम सबसे पहले तो पंजाब की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे। अब जो परिणाम आया है वो, उसके लिए हम लोग आत्मलोकन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि क्या कमी रह गई। जनता का बहुत सारा प्यार हम लोगों को मिल रहा था आम आदमी पार्टी को, उसके बाद किस कारण से कमियां रह गई, पर जनता ने जो हमको स्पष्ट दिया है कि विपक्ष में बैठने की, तो विपक्ष की भूमिका को हम लोग जो है अब निभाएंगे। पहले जनता के मुद्दों को हम लोग जमीनों पर लड़ाई लड़ रहे थे, जब पंजाब की जनता के साथ मिलकर जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे, अब उसको विधानसभा में और जनता के साथ मिलकर जमीन पर भी दोनों जगह लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। बिल्कुल कृष्णमोहन जी, क्या कहेंगे इन नतीजों को आप कैसे देखते हैं? कहीं खुशी कहीं गम, किसी के लिए कहीं खुशी है कहीं गम है। एक देश का सबसे बड़ा प्रांत भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ और उम्मीद से कहीं ज्यादा, जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे उससे भी कहीं अधिक ज्यादा सीटें, 300 सीटों की बात हो रही थी, उससे अधिक सीटें जीत ली हैं या जीत जाएंगे। कुछ अंतिम चरण पर वो सारी मतगणना चल रही है, नतीजे आने बाकी। वही पंजाब कांग्रेस के लिए खुशी लेकर आया है, तो मणिपुर चिंता सा नजर आ रहा है, गोवा भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल रहा है, क्या देख रहे हैं आप इन सारी चीजें? देखिए जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण 2 राज्य थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि भाजपा जब सरकार पे आई थी तो उसे बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे और उसको उन वादों को पूरा करने के लिए राज्यसभा में संख्या की बहुत जरूरत थी। और आप देखिए कि पूरी ताकत बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगाए, और जिस ढंग से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में लगे रहे, एक एक
जिलों में उनका उनकी सभाएं हुई और उसका असर देखिए कि आप चुनाव परिणाम आपके सामने है। और मुझको ये लगता है कि जो भारत की जनता है विकास की और मोदी के जो प्रयास हैं उससे काफ़ी संतुष्ट है। और आज भी जो मोदी का जादू, जो लोग कह रहे थे कि 2014 में जो जादू चला था वो अब कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, तो लेकिन उत्तर प्रदेश ने ये बता दिया है कि मोदी का जादू बरकरार है। और चूंकि अभी भी मोदी जी से बहुत अपेक्षाएं इस देश के लोगों को है और यही वजह रही है कि यूपी के जो तमाम समीकरण बने बिगड़े अपन नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि अवनीत जी कह रहे थे बहुत अच्छी बात है कि हमको एक एक चीजों पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन देखिए कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी की जो गत बनी है, दुर्गति हो गई है, हमें इस पर चिंता करने की जरूरत है। कांग्रेस को अपने आप पर चिंता करने की जरूरत है, ना कि ये देखने की जरूरत है कि दूसरे के यहाँ क्या हो रहा है। आज आपकी हालत ये हो गई कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी होकर के सपा जैसी पार्टी से आपको साथ लाना पड़ रहा है और स्थिति यह है कि 11 सीट पे आप आ गए। तो ये हाल अच्छा आप देखिए कि जो पंजाब में अकाली की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, नशा में पूरा प्रदेश डूब चुका था, सब जान रहे थे, निश्चित रूप से लग रहा था कि परिणाम जो है भाजपा के विरोध में होगा, लेकिन उसके बाद भी वो अलायंस के साथ रहा हो। और अवनीत जी के एक बात से मैं बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ कि उनका कहना यह है कि जहाँ पे सरकार लंबे समय से थी, बीजेपी और अकाली का जो गठबंधन था लगभग 10 साल 15 साल होने जा रहे थे, तो वहाँ पे एक नई पार्टी का जन्म हो, नए लोग आए, ये लोगों की अपेक्षाएं थी। और यही वजह है कि फिर से जो है वहाँ की जनता ने कांग्रेस को वो दिया है, अपना विश्वास जताया है उसके साथ। तो कुल मिलाकर के इस जो 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है, मेरे को लगता है कि मोदी की जीत है। मैं केवल और केवल मानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम योजनाएं और सब चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। बिल्कुल, हम उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड देहरादून में हमारे साथ गोविंद थपियाल, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार हैं गोविंद जी, टीवी के भी बहुत और वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद जी क्या कहेंगे आप, किस तरह से नतीजों को देख रहे हैं और क्या ये प्रत्याशित है या बहुत चौंकाने वाले? चलिए, हमारे साथ वहां विश्वास डावर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विश्वास जी आपको बधाई, बहुत शानदार जीत है, क्या इतनी ही उम्मीद थी या उम्मीद से कुछ ज्यादा मिल गया? चलिए चेतन जी, वही सवाल मैं जो वहां कर रहा था, कुछ किन्हीं कारणों से उनकी आवाज नहीं आ रही है हमें, क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तरांचल में निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी का आकलन था वो 50 से 55 सीट का ही आकलन था और कमोबेश हम उसके आसपास हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक परिणाम है, 2/3 बहुमत का भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा था, वो किसी भी एंगल से 2/3 के कम बहुमत पर, जो पार्टी फोरम की बातें हैं, जो चर्चा है, जो हमारे अपने आंतरिक सर्वे हैं, उसमें कहीं भी 2/3 बहुमत से कम का आंकड़ा नहीं था। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब लहरों से आगे चल करके सुनामी में तब्दील हो गई है, तो हमको लगता था कि ये 275 के ऊपर कहां जाकर के आंकड़ा रुकेगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट राय तो नहीं थी। लेकिन इतना जरूर था कि उत्तर प्रदेश के परिणाम बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम होंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो इस प्रकार का परिणाम है कि भूतोनो भविष्यति, जहां तक मैं समझ सकता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति को। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है से ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जो समर्थन के जनता ने बिल्कुल के बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर डाली। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, क्या कहेंगे आप?
हम लोग जो है, हम लोग में राजनीतिक पार्टी बनने का कारण और बने जो है वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग आए हैं। जहां हमको लगा कि हम लोग सिर्फ किसी को विधायक बनने और सांसद बनाने के लिए, पार्षद बनाने के लिए नहीं आए, वहां हमें पता था कि वहां लड़ाई इन लोगों की आपस में बहुत सारी पार्टियों की आपसी लड़ाई है। जहां पर आम आदमी पार्टी अपना बहुत सारा समय व्यर्थ करके, उतना अभी हमारे पास संगठन भी नहीं है कि इतने बड़े राज्य के अंदर चुनाव लड़ा जा सके, इसलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा। परंतु उत्तर प्रदेश के मामले में देखा जाएगा तो प्रधानमंत्री जितने निचले स्तर तक गिरकर उन्होंने प्रचार किया, प्रधानमंत्री की जो गरिमा को जो ठोस पहुंची उत्तर प्रदेश के चुनाव से खास करके, वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही गलत धारणा है, बहुत ही गलत है। जनता ने तो हाथों हाथ ले लिया, हाथों हाथ जनता ने ले लिया, जनता ने किसी कारणवश जहां उन्होंने वोट दिया, जो भी उन्होंने जनता ने जो सोचा होगा, जिस तरह का पोलराइजेशन, लेकिन विकास के नाम पर आप वोट मांगने के लिए शुरू हुए थे 2014 के चुनाव के अंदर, आपने विकास के नाम पर वोट मांगा था, और 2017 आते आते आप वहां पर फिर वो रमजान बिहार के अंदर आप गाय के नाम पर चुनाव वोट मांगते हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर आप वहां पर शमशान और रमजान के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही खराब दिन है। हम लोगों ने पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा, वहां पर हम लोगों ने पंजाब के अंदर क्या व्यवस्था बनाएंगे और दिल्ली में क्या व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं इस समय पर, जनता के लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती है, सरकार बनने के बाद सरकार क्या काम कर सकती है, उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। तो अगर प्रधानमंत्री को लगता था कि उन लोगों ने इतने 2-3 सालों के अंदर बहुत सारा काम किया तो अपने काम पर वोट मांगना चाहिए था। चलिए हम ताजा रुझान एक बार आप सबको दिखा देते हैं कि क्या ताजा रुझान क्या है, कौन कहाँ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 18 सीटों पर, बीजेपी 315, कांग्रेस 6 सीटों पर, ये ताज़ा रुझान है, और अन्य जो है वो 6 पर है। एक बार फिर हम बता दें कि समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर, बीएसपी 18 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, बीजेपी 315 सीटों पर और अदर 6 सीटों पर। ये उत्तर प्रदेश के ताज़ा रुझान हैं हमारे सामने। और वही जो अभी हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से कि भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया है अपने सहयोगियों के साथ, वो 315 सीटों पर आगे है, उसको 315 सीटों पर वो चुनाव जीत रही है, और 403 में से 403 जो सीट हैं उनके सबके रुझान ये हमारे सामने हैं। तो इसके अलावा भी अन्य प्रदेशों के रुझान भी हम आपको दिखाएंगे। अभी एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि समाजवादी पार्टी 58 सीट पर, बीएसपी 18 सीटों पर, बीजेपी 315, कांग्रेस 6, और ये जहाँ ये वो सीटें हैं जहाँ जहाँ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो ताज़ा रुझान है, ये उत्तराखंड। अब हम उत्तराखंड आप चलते हैं, वहाँ बीजेपी 59 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 9 सीटों पर, अन्य जो है वो 1 सीट पर, और इस तरह से बीजेपी 70 में से 70 जो रुझान या नतीजे हैं वो अब सामने हैं आपके। और हरीश रावत जो मुख्यमंत्री हैं वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से चुनाव हार गए हैं। खबर यही है कि वो आज ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, और कांग्रेस के लिए ये हार बुरी हार के तौर पर इसे देखा जा सकता है, इसलिए कि अभी तक जब से उत्तराखंड राज्य गठित हुआ था तब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत कम वोटों के अंतर से यहाँ नतीजे आते रहे हैं, लेकिन 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए हैं, और बीजेपी को 59 सीटें मिली हैं, अदर्स जो है वो 2 सीटों पर है, और कांग्रेस से जितने भी लोग बगावत करके गए थे वो सारे लोग, तकरीबन वो सभी लोग चुनाव जीत गए हैं। तो ये उत्तराखंड का रुझान है। जनता जो है वो उसका अपना मत देना और समर्थन देने का अपना अलग अंदाज है, और इस बार उत्तराखंड ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा था कि रेलगाड़ी में एक इंजन में के साथ साथ ये डिब्बे भी होने चाहिए तभी बेहतर विकास होगा, और वो
जनता ने उन्होंने जैसा समर्थन मांगा था वैसा समर्थन दिया। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं, अमित शाह कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष। अमित शाह अभी जनता के बीच में है, समर्थकों के बीच में है, काफी उत्साह है, आप देख सकते हैं हर तरफ उत्साह है और फूलों की वर्षा हो रही है। चुनाव के पहले भी ये फूलों की वर्षा होती थी, लेकिन वो उस समय कहा जाता था कि जनता का स्वागत है, लेकिन अब अमित शाह काफी भीड़ में, सुरक्षा के बीच में और कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में काफी जद्दोजहद के बाद आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हर तरफ उत्साह है, कोई हाथ दिखा रहा है, कोई विक्ट्री का निशान दिखा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में जिस तरह के नतीजे, तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि केसरिया होली मनाएंगे और रंग बरसे बड़ा मशहूर गीत, आप सुन रहे हैं कि वहाँ वो गीत सुनाई दे रहा है। अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे लौंगा इलाची का। तो वही है, होली के पहले ही एक होली हो गई, प्रधानमंत्री कह ही रहे थे बार बार, उन्होंने कहा अब होली के पहले एक होली सामने है और आप देख रहे हैं कि हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, जिस तरह से उन्होंने अपना चुनाव अभियान शुरू किया या जिस तरह से प्रधानमंत्री की बातों का तीखा प्रतिकार भी किया, लेकिन अंततः नतीजे कुछ इस तरह के, स्पष्ट बहुमत का दावा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, 300 सीटें जीतेंगे ये भी कह रहे थे, लेकिन यहाँ तो 315 तक चीज़ें पहुँच गई हैं, उससे भी आगे है। अब हाँ, ये अलग बात है कि अब सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एक बड़ा सवाल होगा। ये सियासी रंग है, होली का रंग है और सियासत का रंग होली के पहले, होलिका दहन के पहले विरोधियों को पछाड़ लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उसने एक इतिहास या कीर्तिमान रचा है। लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर ये मौका मिला है। चलिए हम एक बार फिर अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। अवनीश, क्या कहेंगे, उत्साह ही उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे। देखिए रिजवान जी, राहुल जी के नेतृत्व पे सवाल उठने का कोई मुद्दा नहीं है। पंजाब में कांग्रेस जीत रही है, गोवा में कांग्रेस जीत रही है, वहाँ उत्तराखंड में एक हमारी सरकार थी जो गई है, दो सरकारें हम बना रहे हैं दो राज्यों में, एक सरकार हम लूज कर रहे हैं कुल मिला के देखा जाए इस तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह के लिए कुछ है नहीं इतना जितना उत्साह मना रहे हैं। ठीक था, राज्यों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकारों के खिलाफ थी, आपने सरकार बना ली, इसमें राहुल जी का नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाने का कोई मुद्दा नहीं है। राहुल जी तो पंजाब में भी गए थे, वहां भी जीती, उत्तर प्रदेश भी आए थे, वहां हार गए, और उत्तर प्रदेश में पहले भी कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ करने का था नहीं। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चल के ही अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे पिछले 5 साल में, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश विकास की राह पे बहुत तेजी से दौड़ा है। पिछले 5 वर्षों में सुशासन दिया, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, गुंडे बदमाशों को दरकिनार किया है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने उत्तर प्रदेश में जा रही है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास करेगा और अच्छा एक जो जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दिया है उस हिसाब से वो काम करेंगे। मैं उम्मीद और विश्वास इनसे ही व्यक्त करता हूँ, लेकिन अखिलेश यादव जी के काम को न बाकी जनता नकार सकती है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी नकार सकती है। निश्चित तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया, इसीलिए कांग्रेस वो अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में आई, और कांग्रेस चाहती थी कि वो विकास का मॉडल जारी रखा है अखिलेश यादव। चलिए अवनीश, आपके पास एक बार फिर मैं लौटूंगा, लेकिन हम उत्तराखंड एक बार चलते हैं। गोविंद थपियाल, क्या कहेंगे आप, क्या लगता था आपको, इसी तरह के अनुमान थे वहां, मैदानी यही हकीकत थी, या जो कुछ
आपने सोचा, आप सब लोगों ने जो कुछ भी सोचा, वहां की मीडिया ने जो सोचा, जनता किस तरह से अपनी बातें कह रही थी, या जनता की कोई बात सामने भी आ रही थी कि नहीं, और हरीश रावत दोनों सीटों पर हार गए, क्या लगता है इसी तरह के नतीजे आने वाले थे या बहुत चौंकाने वाले हैं नतीजे? चलिए, मैं अपने सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा उत्तराखंड के कि हम उनसे उनके बातें नहीं सुन पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, मैं माफी चाहूंगा और हम अपने स्टूडियो वापस एक बार फिर लौटते हैं। कृष्ण मोहन झा, अभी आए उसे भाजपा के प्रति लोगों ने जो विश्वास जताया है और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत सारी बढ़ गई है। अब तो ये कह भी सकते कि राज्यसभा में जब हम बहुमत पे आएंगे तो ये करेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अभी तक वो अपना पल्ला कहीं ना कहीं झाड़ते थे। तो जो जिम्मेदारियां जो उनकी अब है, अब उसको किस ढंग से क्रियान्वयन करते हैं, किस ढंग से उसका निर्वहन कर पाते हैं, ये सब कुछ जो है 2019 में जो चुनाव होने वाले लोकसभा चुनाव, तो वो काफी कुछ उस पर जो है निर्भर करेगा किस ढंग से उस बार चुनाव परिणाम आएंगे। क्योंकि क्या है कि जिस ढंग से भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है वैसी वैसी अपेक्षाएं भी काफी बढ़ रही हैं। आप देखिए कि काले धन को लेकर के हो, चाहे वो धर्मांतरण के मामले में हो, चाहे आपने ट्रिपल तलाक वाला मामला छेड़ दिया हो, और ऐसी बहुत सारी जगह हुई जब बात आई, जब भूमि अधिग्रहण विधेयक आया तो उसमें भी इनको वापस लौटना पड़ा क्योंकि उस राज्यसभा में इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। चाहे जीएसटी की बात करें तो उसमें भी अभी भी देखिए कि लगातार आम सहमति बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो देश को बहुत लाभकारी जो चीजें हैं उनको किस ढंग से क्रियान्वित कर पाते हैं, क्या अब उसको पास करवा पाते हैं, तो ये सब चीजें जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे संतोष मानो आप? मैं दरअसल ये चाह रहा था कि आप मुझसे ये पूछे कि भाजपा जीत क्यों गई हो। क्या पूछना है? मुझे चाह रहा था कि आप मुझसे ये पूछे कि भाजपा वहाँ जीत क्यों गई। दरअसल मैं इस पे काफी सोच रहा था सुबह से कि कारण क्या है जी। तो आप अगर आप पूछे तो मैं बोल दूं। अब आप बोल दीजिए, मन है तो। मुझे तो ऐसा लगता है, जो मैंने सोचा सुबह से, मुझे ये लग रहा है कि चुनाव के ठीक समय उड़ीसा के स्थानीय निकायों का परिणाम आना, चुनाव के बीच में महाराष्ट्र के नगर निगम का परिणाम आना और दोनों जगह बीजेपी की बंपर जीत, इसका बहुत सकारात्मक असर उत्तर प्रदेश में हुआ। लोगों को लगा कि उड़ीसा में ऐसा रिजल्ट आया, महाराष्ट्र में ऐसा रिजल्ट आया, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। तो इसका एक सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेश में मिला। लेकिन ये तो तीसरे चौथे चरण के आसपास की कवायद है, कहानी है। लेकिन इसके पहले वो चरण जहां पर यह माना जा रहा था, एग्जिट पोल भी बहुत हद तक यही कह रहे थे कि वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन वहां भी जीते, सब जगह जीते। और यहां जैसे अभी हम पंकज सिंह की बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, नोएडा से चुनाव लड़ रहे थे, वो 1 लाख से भी ज्यादा वोट से चुनाव जीते। तो ये तो पहले ही चरण से ये चीजें शुरू हो गई थी और इसमें आपको सिर्फ अन्य राज्यों के ये जो रुझान है यही नजर आते हैं या इसमें और भी बहुत तरह की चीजें हैं? नहीं, इसमें और भी चीजें, मैं दरअसल उसका उल्लेख करना चाह रहा था। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आया कि नोटबंदी का सवाल जिस तरह से अखिलेश यादव ने या राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया, उसका सकारात्मक परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया, वो उल्टा नहीं हुआ। यानी देश के गरीबों ने ये मान लिया है कि नोटबंदी उनके फेवर में है, मुझे ऐसा लग रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण मुझे समझ में आ रहा है वो यह है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सोशल इक्वेशन बहुत तरीके से जमाया है। अगर आप ध्यान दें तो पहले ही वो एक यात्रा और परिवर्तन रैली और विभिन्न समाज के सम्मेलन, एक बहुत ढंग से उन्होंने सोशल इक्वेशन जमाया। और एक चौथा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, हर फ्रंट पर चुनाव लड़ा, जितने लोगों को एड्रेस करना था उतने तरह के चेहरे, उतने तरह की जबान जी, हर चीज को एड्रेस किया और अपना अलग अलग, और जिन बातों से किनारा करना था वो कह दिया कि ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। और मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं करना, यही सोशल इक्वेशन की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और एक चौथा कारण और है जी, वह कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां 21 रैलियां की है जी।
मैंने किसी प्रधानमंत्री को एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में 21 रैलियां करते न सुना न देखा। तो एक तरह से प्रधानमंत्री तीन दिन बनारस में भी बिताया, ये भी हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। बनारस में भी रहे किसी प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र में इतना लंबा समय देना। सवाल बहुत उठे लेकिन जनता है साहब, वो तो उसका अपना अपना अंदाज होता है। उसने एक कृष्ण मोहन झा एक बात कह रहे थे, अब आप कोई बहाना नहीं बना सकते। बहुत हर तरफ जनता ने जो छप्पर फाड़ के दिया है आपको, लोकसभा में भी छप्पर फाड़ के दिया और उत्तर प्रदेश की बात जहां आप कर रहे थे, जहां आपकी पूरी सत्ता कसौटी पर थी, आपका नेतृत्व कसौटी पर था, वहां भी जनता ने छप्पर फाड़ के दिया है। अब राज्यसभा में भी आप होंगे, राष्ट्रपति भी आप बना पाएंगे, इन सारी चीजों के बीच आपको क्या लगता है कि आप चुनौती बहुत बड़ी है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं डॉक्टर संतोष मानव जी, चुनौती है ना उनके सामने। जब आप उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में सत्ता में आते हैं तो उस राज्य का विकास करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मैं अभी अमित शाह जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था एक पत्रिका में, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की अपार संभावना है और 10% की दर से यह राज्य विकास कर सकता है। तो अब तो उनको बताना पड़ेगा अगले 5 साल के बाद जनता पूछेगी कि विकास दर क्यों नहीं ला पाए। 5 साल क्या, 19 में ही पूछने लगेगी, 19 में ही पूछने लगेंगी। और मुझे लगता है कि अभी एक नया बखेड़ा तो मुख्यमंत्री के सवाल पर ही होगा कि कौन बने, राजनाथ सिंह बने कि केशव प्रसाद मौर्य बने कि दिनेश शर्मा बने कि मनोज सिन्हा बने। और एक आज नया नाम चला है स्वतंत्र देव सिंह, वो MLC रह चुके हैं वहाँ बीजेपी के, उनका भी नाम आज आ गया है। तो ढेर सारे नाम आ गए, सबसे पहले चुनौती तो यही मिल रही है। और 319-20 का आंकड़ा है मेरे पास कि वहाँ 320 के आसपास बीजेपी को सीटें आने वाली है, एक दो ज्यादा कम हो सकता है। तो दूसरी चुनौती आएगी किस किस को मंत्री बनाए, क्योंकि जो लोग बसपा से और कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से आए, बड़े बड़े नाम, ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, स्वाति सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, किस किस को मंत्री बनाएंगे। तो एक मंत्रिमंडल बनाने के समय नया बखेड़ा शुरू होगा। तो ये तात्कालिक चुनौतियां हैं, बाद की चुनौती चर्चा हम बाद में कर लेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे चेतन सिंह, पहले तो मुख्यमंत्री बनाना एक बड़ा सवाल होगा, इसलिए कि बम्पर जीत हुई है, छप्पर फाड़ के मिला है। राजनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है वैसे, कि बड़े अनुभवी नेता है, पहले मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, देश के गृह मंत्री भी हैं, और इसके अलावा भी कई नेताओं के नाम है, कई नेता कतार में हैं, सबने अपनी अपनी गोटियां जमानी शुरू भी कर दी है। तो एक बड़ी चुनौती ये भी है, सरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फिर सरकार के गठन में किसको किसको शामिल किया जाएगा, और उसके साथ फिर जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। देखिए रिजवान भाई, कोई चुनौती बहुमत मिलने के बाद, जिस तरह का बहुमत है, इस तरह के बहुमत के बाद तो मैं समझता हूँ कम से कम मुख्यमंत्री चयन को कैबिनेट चयन को लेकर के नहीं है। हमारा पार्लियामेंट बोर्ड जब भी बैठेगा, विधायकों की राय लेकर के, संगठन की राय लेकर के, जो भी उसका मत होगा उसके आधार पर मुख्यमंत्री का चयन होगा। और जहां तक कैबिनेट का विस्तार है, निश्चित रूप से कैबिनेट में इन बातों का ख्याल रखा जाएगा, जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो विकास के पैमाने हैं, जो क्षेत्रीय संतुलन है, जो आदमी की अपनी काबिलियत है, इन सारी बातों का गुणात्मक अध्ययन करने के बाद उनको कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा। ये बात अलग है कि जो एक पहलू जिस पर हम हमेशा पूरे चुनाव में कैंपेनिंग में राजनीतिक दल हमको घेरते रहे कि हमारे पास अल्पसंख्यक चेहरा कोई नहीं है, निश्चित रूप से इस कैबिनेट में कोई ना कोई अल्पसंख्यक चेहरा आपको देखने को मिलेगा, और उस चेहरे को भी अब उत्तर प्रदेश में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की चुनौती होगी। तो मुझे लगता है कि विकास और सुशासन ये भारतीय जनता पार्टी का खुला एजेंडा है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि इसको किसी को दिखाने छिपाने की आवश्यकता हो। और उत्तर प्रदेश कैसे विकास करे, कानून का राज उत्तर प्रदेश में चले, महिलाओं का सम्मान पुनः उस उत्तर प्रदेश में बढ़े, उत्तर प्रदेश के गरिमामय उत्तम प्रदेश बने, और उत्तम प्रदेश के साथ साथ लोग भी वहां के उत्तम बने, उत्तम विचार आए, उत्तम विकास हो, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए नई सरकार का गठन किया जाएगा। कोई कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मॉनिटरिंग का प्रदेश है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सांसद है। बिल्कुल बिल्कुल, सांसद भी हैं और सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे ज्यादा सांसद भी उस राज्य ने हमको दिए हैं, तो चौतरफा जवाब उसी ने बनाया और मुख्यमंत्री बनाया, और आने वाले वक्त में भी प्रधानमंत्री के लिए रास्ता भी वही बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों से बस ये इतना समझना चाहूंगा, हमारे जो पत्रकार साथी हैं खासतौर से कृष्ण मोहन झा आपसे भी और संतोष मानव आपसे भी, कि वही कैसे अब
अपेक्षाएं पूरी होंगी, क्या लगता है आपको किस तरह से होगा? अभी पहले सबसे पहले तो कर्जा, पहली कैबिनेट में ही कर्जा माफ करना है, तो अब आपको क्या लगता है ये कैसे सब कुछ मुमकिन है और कैसे होगा? देखिए रिजवान भाई, मैं इस अपन देश में लगता है कि आगे और चर्चा की जा सकती है, लेकिन अभी जो चुनाव परिणाम आए इस पे आप एक गंभीर विषय ये है कि अब जो क्षेत्रीय दलों का जिस ढंग से उभार आया था, पूरे हम देख रहे थे लगातार उभर रही थी, इस चुनाव परिणामों में देखिए कहीं ना कहीं खत्म होने की स्थिति में आ गई। एक अच्छी बात यह है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे आप पंजाब में देखिए कांग्रेस आ गई, उत्तर प्रदेश में देखिए, या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आप देखिए कि भाजपा ने स्पष्ट मेजोरिटी से अपना वो लाया है, तो जो एक नया ट्रेंड आ रहा है, जो राष्ट्रीय पार्टियां फिर से लौट रही हैं, फिर से अब सरकार बना रही हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। और जो जो छोटी पार्टियां हो करती थी, क्षेत्रीय पार्टियां हो करती थी, उनकी सौदेबाजी जो हुआ करती थी, उससे कम से कम कहीं ना कहीं बचने की स्थिति बनेगी। और रही बात आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो देखिए कि अभी जो आप जो ट्रेंड दिखा रहे थे उसमें कांग्रेस यूपी में 5 सीट में, जो उनका जो पंजा का जो निशान था वो आज 5 में आगे सिमट गए। नहीं, 5 सीटों में वो 9 सीटों में है वो। अच्छा, लेकिन आप देखिए कि इतनी बड़ी जो यूपी में लंबा आधार रहा है कांग्रेस का, एक बड़ा आधार है, और उनको जाकर के वहाँ कहीं ना कहीं टाई अप करना पड़ा है। अभी दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, वो खुद कह रहे थे कि हमें बहुत चिंता करने की जरूरत है, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे और तय करेंगे। क्योंकि अब आने वाले समय में जिस ढंग से आप पार्टी निश्चित रूप से बहुत कम समय में, ये यदि हम मुकाबला करें बीजेपी कांग्रेस का इन सब चीजों का, तो आपने जो स्थान बनाया है बहुत कम समय में, उसने एक अच्छी स्थिति बनाई है। दिल्ली में सरकार बना चुकी है, पंजाब में विपक्ष की स्थिति में आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक नए राजनीतिक समीकरण, देश की राजनीति नए दिशा पे जा रही है, उसकी दशा नए ढंग से होगी और आने वाले समय की ढंग से। आपको लग रहा है कि क्षेत्रीय दलों के का अब पराभव होगा, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरे को निश्चित रूप से यही लग रहा है। और अब एक न एक कोई जो है राष्ट्रीय दल और उभर करके देश में आएगा जी। एक क्या कहेंगे संतोष मानो आप, क्षेत्रीय दलों का पराभव होगा और राजनीतिक जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उन्हीं के हाथ कमान होगी? ऐसा कहना ही फिलहाल तो जल्दबाजी होगी जी, क्योंकि आप देखिए तमाम दिक्कतों के बावजूद बसपा को 24-25 सीटें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी को 56-57 सीटें आ रही हैं, तो एकदम से पराभव हो गया, नष्ट हो गया, मैं ऐसी बातें नहीं मानता हूँ। उनका अस्तित्व बना रहेगा क्योंकि दोनों दलों के पास अपना एक आधार वोट है, और अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो बसपा को अभी भी 18-19% वोट मिले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सपा को इससे कुछ ज्यादा मिल रहा है, तो उनका आधार वोट तो बना ही हुआ है। तो अगर दोनों के वोट शेयर मिला दिया जाए तो तकरीबन उतने ही है जितना भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत जितना वोट शेयर पाकर, उससे भी ज्यादा है, भाजपा को लगभग 43% मत मिल रहे हैं इस विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 42% मिले थे, मतलब 1-8% ज्यादा है। तो अगर 43% वोट बीजेपी को मिल रहा है तो 57% वोट उनको तो मिल ही रहा है, दोनों चीजों को मिलाकर या जो कुछ निर्दलीय है उनको मिलाकर, तो समाप्त हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, दोनों दल बने रहेंगे। एक तात्कालिक प्रभाव है और संभव है कि 5 साल बाद फिर से उठा हुआ है। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर संतोष मानो आप हमारे साथ जुड़े, कृष्ण मोहन झा हमारे साथ जुड़े, अवनीश भार्गव आप हमारे साथ जुड़े, आप आदमी पार्टी के से हमारे साथ जुड़े, और चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, और देहरादून से हमारे साथ विश्वास डाबर, समीर भंडारी, गोविंद थपियाल जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हम ताज़ा अपडेट के साथ फिर आएंगे। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे, रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं, सहारों की जरूरत नहीं मुझे। मेरे हम सफर हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना कंधा या कमर चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हिंदुस्तान